अल्लाह आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का यह बयान नहायत अहम है कि इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी के जो धरने थे ये जिससे मुल्क बहुत नुकसान पहुंचा और अब पीपल्स पार्टी इस हद तक नहीं जाएगी जहाँ तीसरी क़वत को मुदाखलत करने का मौका मिले तो क्या खुर्शीद शाह के इस बयान के बाद ये समझ लिया जाए कि वो हद आ गई है जहाँ तक मुतह अपोजीशन का साथ था और क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाकई मुतह थे भी या हालात ने उन्हें वक्ती तौर पर जोड़ा था बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हाल ही में हुई दुबई में जो मुलाकात इसमें ये तो इतफाक किया गया था कि पानामा लीक्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जुडिशल कमीशन की तहकीकात का जो आगाज है ये वजी आजम साहब से ही होना चाहिए मगर सवालत ये भी उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर ख़ुद हज स्कैंडल से लेकर डॉक्टर आसिन केस तक लाता करप्शन स्कैंडल्स के इल्जाम हैं और वो पार्टी करप्शन के नाम पर लोगों को सड़कों पर कैसे निकालेगी जब पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसम जैसे महरे हुकूमत के पास हैं तो बिलावल भुट्टो किस हद तक फिर हुकूमत के खिलाफ जाएँगे याद रहे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और तहरीक इनाफ़ के मकसद ही मुतादल नहीं बल्कि अपोजिशन की जमातें जमात इस्लामी एम क्यू एम ए एन पी और कौमी वतन पार्टी इस बात से मुतफिक नज़र नहीं आती कि टी ओ आर सिर्फ वज़र अजम की ज़ात तक ही ठहरे हों बल्कि वो इन तमाम अफराद की तहकीक चाहते हैं जिनका नाम पानामा लीग्स में है या फिर जिन्होंने कर्जे माफ़ करवाए हैं इसलिए पानामा लीगस पर मुतदा अपोजीशन का इकट्ठे सड़कों पर निकलता कुछ मुश्किल ही नज़र आ रहा है और लगता कुछ यूँ है कि इमरान खान सोलो फ्लाइट भरेंगे और शायद उनका साथ देने के लिए जमात इस्लामी और सिर्फ डॉक्टर तारुल कादरी ही रह जाएं। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के सूबाई अरकान की जो तकरी का मामला है ये भी आने वाला है जिनका तकर आयन के मुताबिक वजे अजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत से होगा पी टी आई को भी इसमें हिस्सा मिल गया है लेकिन बहुत सी ऐसी जमातें हैं बशमूल काफ लीग जो चाहती हैं कि उनकी तकर तकरियों में उनकी मशावरत भी शामिल की जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन के अरकान का जो तकर है ये एक और सियासी मसला बनने जा रहा है इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे डॉक्टर आसिम की वीडियो लीक्स की जिसमें विफाक वजी दाखिला चौधरी निसार ने मुलमान की वीडियो जारी करने को गैर कानूनी और गैर इखलाकी करार देते हुए सिंध हुकूमत से कहा है कि वो सुराग लगाए कि कौन सी तहकीक़ती एजेंसी इन वीडियोस के लीक होने में मुलविस है जवाब मुशीरत तलाद सिंध मौला बख्चांडियो ने इल्ज़ाम लगाया है कि डॉक्टर आसिम के बयान की वीडियो लीक होने की जो जिम्मेदारी है ये चौधरी निसार पर जाती है ओला बखच्चान्यू कहते हैं कि डॉक्टर आसम वजर दाखिल के मातह इदारों के कैद में हैं और इन्हें अपनी इस नाहली की तहकीकत करवानी चाहिए यहाँ पर यह बात अहम है कि वीडियो लीक्स पर इल्जाम और जवाब इल्जाम की सियासत करने के बजाय तहकीक की जानी चाहिए कि जो ज़ेर तफ्तीश मुलजमान हैं इनकी वीडियो जारी करके उनका मीडिया ट्रायल कौन कर रहा है और क्या इस तरह इन केसेस पर असरानंदाज़ होकर इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं इस पर प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लाम आबाद से डॉक्टर शाह मसूद हैं कराची से फफर साहब मौजूद हैं और आज लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा साहब जो टी आर्ट्स कमेटी का हिस्सा हैं जफर हिल साहब आपसे शुरू करती हूँ जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल सियासत में एक ही मौजूद जेर बहस है और वो ये है कि पानामा लीक्स में टी ओ आर्ट्स के मसले को लेकर एहतजाजी सियासत का और सबसे बढ़कर ये मसला इस मसले पर अपोजिशन जमातों में इतफाक राय है या नहीं खुर्शीद शाह साहब ने अब यह कह दिया है कि हम लोग इस हद तक नहीं जाएंगे जहां तीसरी कुत को आने का मौका मिले तो यह तीसरी कुवत का डर खौफ क्यों है क्या ऐसे वाकई कोई सियासत में मुल्की हालात नजर आ रहे हैं कि तीसरी कुत आ जाए देखिए तीसरी कुत को अगर आना था तो बड़े मौके थे उनको आने के लिए तीसरी कुत अनफॉर्चुनेटली उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको कोई जरूरत भी नहीं है अब सीधी सादी बात यह है कि मैं कुछ चीज सास को पूछना चाहता हूँ आपने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे इसलिए डर है कि तीसरी कवत आ जाएगी तो इंसाफ भी नहीं देंगे नहीं। मिसाल के तौर पर कादरी को इंसाफ नहीं मिलेगा इसलिए आपको डर है पैनामा लीक को इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा इसलिए आपको डर है इस तरीके से क्या आप मुल्क चला सकते हैं खुदा के लिए बख्शे हम लोगों को ये मुल्क तो काबिल ही नहीं रहा रहने के लिए अगर इस तरीके के लीडर्स और इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं देखिए बात क्या है शाजिया इट्स अ सिंपल मैटर हमें पता चल गया है कि प्राइम मिनिस्टर का एक लड़के के पास इतना प्रॉपर्टी है जो पहले हमें पता नहीं था वो कभी पहले डिस्क्लोज नहीं किया था और अब पता चला है कि वो प्रॉपर्टी उनके पास जो था वो ना सिर्फ जब से वो अडल्ट बने हैं मगर उस वक्त से है 1993 से 6 जब वो माइनर थे प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट थे अब की बात यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के अब अडल्ट लड़के से पूछें कि जब वो माइनर था उसकी प्रॉपर्टी और पैसे किधर से आए थे या ये वक्त ये ऐसा है कि हम प्राइम मिनिस्टर के बच्चे को भी लड़के से भी पूछें और प्राइम मिनिस्टर खुद जो उस वक्त उनके वालिद साहब माने डिपेंडेंट थे लड़के उनसे भी हम पूछे आंसर है नॉर्मल आंसर है यार दोनों से पूछो तो चलिए तो दोनों से अगर हमें पूछने दें तो नो प्रॉब्लम टीओ आर को फ्रेम करें एंड लेट द केस गो अहेड मगर ये नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछने नहीं देंगे क्यों सबको पता है क्यों पता चल जाएगा कि क्या हुआ मगर रियल रियल बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप और मैं सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कब तक ये खेल खेलते रहेंगे पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते नहीं मुझसे आप नहीं पूछ सकते पोलिटिकल डिस्टेबिलाईजेशन ऑफ ए न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब दो चार सवाल नहीं जवान जो इनके जो अच्छा और मजे की बात है हमें कोई जरूरत ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को पूछने के लिए इसलिए कि पीपीपी पी को पता है उनके पास सबूत है पूछे ना वो रहमान मलिक साहब से वो क्या करते हैं हर आदमी के पीछे भागते रहते थे उस जमाने में अकाउंट्स देखते रहते थे आप, अपोनेंट्स के अपोनेंट्स के बारे में फैक्ट्स निकालते थे पूछे तो सही चेयरमैन नैब्स दो रहे हैं मकबूल साहब पूछे तो सही अनवर साहब अमजद साहब से जो न, जो मुशरफ ने उनको टास्क किया था कि जितने ये करप्शन किया है नवाज शरीफ साहब ने निकाले और साबित करें सबूत तो ये क्यों नहीं बता देते हैं भाई पुट एन एंड टू आर एग नहीं खत्म करें मगर नहीं ये भी नहीं बता ठीक है डॉक्टर साहब एक तो पहले ये बताएंगे शाह साहब को तीसरी कुत का डर खौफ क्यों है दूसरी बात ऐसे मौके पर यह मैसेज देना कि डॉक्टर ताहिर कादरी और इमरान खान के जो धरने थे ये स्क्रिप्टेड थे ऐसे मौके पर यह मैसेज देना जब आने वाले दिनों में एहतजाजी सियासत रंग पकड़ रही है पीपल्स पार्टी भी ये इंडिया दे चुकी है बिलावल भुट्टो भी अपने कारकुनों को कह चुके हैं सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें पीटीआई भी सड़कों पर आने वाली है डॉक्टर ताहिर कादरी भी धरना कर चुके हैं तो ऐसे मौके पर खुर्शीद शाह साहब ने यह मैसेज क्यों दिया है देखिए शाजिया मैं नहीं जानता कि ये तीसरी का जो लफ्स है ये किस दौर में कब किस तनाजुर में निकला था क्योंकि ालिबा ये तो तब इस्तेमाल होता जब एक हुकूमत होती एक अपोजिशन होती और वो, दू, वो दूसरी होती और तीसरी तीसरीवत स्बलिशमेंट होती इस वक्त तो गालिबा एक क़त जो है वो सारी की सारी आपकी पोलिटिकल एलिट है अशराफ़िया है जिसमें आपकी ब्योक्रेसी भी है सारा का सारा करप्ट सिस्टम एक ताकत है अवाम जो हैं वो दूसरी ताकत हैं और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तीसरी कुवत है और इसके अलावा दूसरी तीसरी कुवतों की कोई डेफिनेशन अब रही नहीं है ये सारा का सारा जो मुंह काला हुआ है ये टीओआर आर में और पार्लियामेंट के अंदर ये जो कुछ तमाशा इन्होंने मचाया हुआ है, मचा है उसमें कौन सी पहली दूसरी तीसरी चौटी छति कुतें एग्जिस्टिंग करें एक बात दूसरी बात ये कि मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का अंदेशा है चूंकि हुकूमत स्काइप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर चल रही है मुझे डर ये लग रहा है कि किसी भी वक्त ही हैक ना हो जाए क्योंकि सारा का सारा का इसका काम चूंकि इंटरनेट पे तो नामालूम अफराद उसको हैक ही ना कर लें लेकूमत को और बाद में वो ये कहें कि जी हमें तो हैक कर लिया किसी ने जो वेबसाइट थी वो भी है वो भी है

लेकिन मसला ये कि भी किसी ने चलानी है सही। ये कोई वीडियो गेम्स तो इसको मारो ऐसे मारो ऐसे भाई मसला है कि किसी के ऊपर नहीं वो जो बात शाजिया पैरवी किसी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब आखिरी इतला शहबाज शरीफ साहब ने भी ना कर दिया है वो वापस आए खामोशी से आके हमारे पास करने, करने को भी तैयार नहीं है तो इन हाउस रह गया अभी वजीर थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा कि जी वो पहले वजीर तशरीफ ले आएंगे खैरियत से वो वापस आ जाए लेकिन देखें जो लोग इस सर्जिकल प्रोसेस से गुजरे में सिर्फ एक मिनट लूंगा जो लोग इस तरह के ट्रामा से गुजरे हैं या किसी भी ऑपरेशन से घुस लाइफ चेंज हो जाती है, है, है। इंसान की जिंदगी गोल और टारगेट है वो चेंज हो जाते हैं आप, आपके ओपन आप हार्ट सर्जरी हो गई अब मेरी लाइफ चेंज होगी मेरे गोल्स चेंज होंगे अब मैं किस तरह से काम अब वो आप लड़ाई से मार्कोटाइज से भरपूर शाहकार नहीं चलाते मैं तो पहले भी जब वो आए थे तो पहले भी जो बन्नू में और इधर उधर जलसे वो कर रहे थे तो मैं हैरान हूं कि किस तरह उनको इजाजत दी थी उनके दोस्तों ने और घर वालों ने कि आप जाके इतना प्रेशर लें कि बन्नू में आप जाके मौलाना रहमान साहब जो है उनके साथ तकरीरें करें और तो अब वजीर आजम अगर वापस आते हैं तो या तो लंदन में रहेंगे वापस आके भी वो कमजोर होंगे और उनको आराम करना चाहिए लेकिन बात वही कि एक पार्लियामेंट है एक इन हाउस चेंज है बगावतें हो रही हैं धरने हो रहे हैं तमाशे लग रहे हैं अब इनको भी जो कुछ संभाले सही बिल्कुल संभाल रहे। मुझे ब्रेक लेने तो दे ले दे ले ब्रेक थे ले के के बाद वापस आएंगे तो कमेटी हो चुके इनका तो नतीजा कुछ नहीं निकला लेकिन इन इजलासों में हुआ क्या अपोजिशन का हुकूमत के साथ रवैया कैसा था हुकूमत क्या लचक दिखाने को तैयार थी इन इजलासों की अंदरूनी कहानी है क्या ये हमारे साथ तारिक बशी चीमा साहब मौजूद है उनसे पूछेंगे छोटे समर्थन के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशा मदद कल इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातें टीओ आर्स कमेटी के जो इजलास हुए इस हवाले से इन मुता का जो कच्चा छट्टा था वो आवाम के सामने खोलेंगे लेकिन तारिक बशी सीमा साहब से कहूँगी मैं चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम से कर दें कुछ अंदरूनी कहानी पहले ज़रा मेरे प्रोग्राम ही शेयर कर लें थैंक यू शाजिया तो गुजारिश ये है टी ओ आर्स इतनी दफर डिस्कस हो चुके हैं हमारे मीडिया पर जी अब मेरे ख्याल में इन पे डिस्कस करने वाली को बात बाकी अब रह निकला भी कुछ नहीं निकला भी कुछ नहीं इसमें से अब देखने वाली सिर्फ ये बात है या कौम इस चीज़ की मंतज़र है कि क्या इसमें अपोजिशन का कसूर है या गवर्नमेंट ने लै तो लाल किया है अब इसकी एक आपको मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ लोग बीमार भी होते हैं लोगों की सर्जरीज भी होती हैं लेकिन कभी आपने किसी कौम में किसी रियासत को स्टैंड स्टिल होते हुए नहीं देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नाट अवेलेबल वो बाहर गया हुआ है और पीछे पूरी की पूरी हुकूमत अप्रैलिस तो का शिकार हो जाए और स्टैंड स्टिल हो जाए अब उस दिन क्या हुआ कि उस दिन हमारी मीटिंग थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की सर्जरी थी हम सारे अपना होमवर्क करके तैयारी करके हम गए तो पहले दो मिनिस्टर्स आए उन्होंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि सर्जरी हो रही है तो बार बार फोन आ रहे हैं जा रहे हैं तो आज मुनासिब नहीं है हम भी गमजदा हाँ हम भी गमज़दा हैं हम है, हमारे दिल भी बड़े बोझल हैं तो वो खैर इतनी देर में हमने कहा जी ठीक है बुलाएं टीम को बुलाएं लोग आके फॉर्मल रिक्वेस्ट करें ताकि हमें पता चले कि भाई क्या साथ हम भी ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की सेहत के बारे में दरियाफ़ कर लेंगे कि उनकी क्या हालात है वी कैन ऑल्सो विश एम स्पीडी रिकवरी गुड गुड हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जब वो डार साहब तशरीफ़ तो लाए बाकी साहबान तशरीफ तो लाए इतजाज़ आसम साहब ने एक बड़ी मज़ेदार बात की और जो वाकई उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर चून लाई थे उनकी डेथ हो गई एंड ही वाज सो पॉपुलर इन चाइना ही व सो पॉपुलर इन चाइना दैट एवरी चाइनीज वॉज इन ग्रीफ कोई रो रहा था कोई परेशान था भी कोई भी काम भी। पे जाना नहीं चाह रहा था चेयरमैन मोजे तोंग ने एक फिक्रे में इन वन सेंटेंस एक मैसेज भेजा चाइनीज को कि टर्न ग्रीफ इनटू स्ट्रेंथ और जो चाइनीज जितना काम करता था आज उससे डबल काम करेगा प्राइम मिनिस्टर चुएन लाई की याद में उसको रिवार्ड करने के लिए भी। भी। और जो एक पहिया बनाता था उसने दो पहिया बनाए होंगे ये चौधरी एतराज आसन साहब ने बात सुनाई उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है आप भले पांच दिन ब्रेक ले लें छह दिन ब्रेक ले लें लेकिन आपको बताने का मकसद ये था क्या आप रवैये देखें सही आप ये देखें कि अपोजिशन का क्या रवैया था कितनी लचक के साथ कितने खुले दिल के किस साथ पॉइंट पॉइंट पे अरकी, सिर्फ एक है 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 पॉइंट सिर्फ एक नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम निकल नहीं सकता वो चाहेंगे भी ना तो वो निकल नहीं सकता ना हम जब भी चाहेंगे तैयार है लेकिन बात बात सुनें ना गुजारिश ये है गवर्नमेंट चाहती है कि एक कमीशन भी बन जाए इसमें निकले पड़े भी कुछ ना इतनी एक धूल उड़े इतना एक मट्टी गर्दा उड़े कि उसमें नज़र भी कुछ ना आए और हम फिर कहें कि जी देखें हम बिल्कुल पाक साफ होकर अब मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब दो दफा कौम से खिताब कर चुके हैं मजाक तो नहीं है आप पार्लियामेंट में आके खिताब कर चुके हैं आपने तीनों दफा अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया और बाकी आपके जो खुशामदी बैठे हुए हैं पीछे वो कह रहे हैं जी देखें जी वो प्राइम मिनिस्टर ने पेश कर दिया तो इसका मतलब है हम भी मॉरल वैल्यूज ना दिखाएं सही हम भी मॉरल एथिक्स ना दिखाएं भाई मॉरल एथिक्स क्या है एक चो, कितने कितने मैं एक चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं और मैं आपसे कहूँ जी नहीं तफ्तीश मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक करानी चोर तो मैं शायद हूं या नहीं हूं लेकिन तफ्तीश में आपनी तो अगर हुकूमत और में नहीं हो रहा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देते हैं माबे टीओ आर नहीं बनते फिर देखे कर कर ना फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें मामला आने वाले वक्त पे छोड़ दें कुछ ना कुछ तो होना है ना बहसीत एक पाकिस्तानी बहसीत एक पोलिटिकल वर्कर के आई एम एडमेंट एंड आई एम ऑफ व्यू कि इस दफा एहतसाब हो नहीं होने एहत के बगैर बिल्कुल लाइफ ऐलान करने आ, जा रहे? नहीं नहीं, कल तो हमने कल तो हमने जो गवर्नमेंट के ये दो चार वजरा साहबान है ना जो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि जी अपोजिशन जिद पैड़ी हुई है अपोजिशन ये नहीं हम एक एक डॉक्यूमेंट के साथ कल जाएंगे और लोगों को बताएंगे के बाद कोई और होना है कॉम को बताएंगे देखें ये तो इट डिपेंड्स ना इट डिपेंड्स के गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है गवर्नमेंट का रवैया क्या है गवर्नमेंट की ख्वाहिश क्या है ठीक है वापस ट्री आवर्स पर आते हैं जफर साहब कल ये लोग तो बताने जा रहे हैं कि मुजात की कहानी क्या थी जिस सिटिंग में क्या हुआ हुकूमती रवैया क्या था अगर अपोजिशन और हुकूमत में इतफाक़ नहीं हो पा रहा तो मामला क्या वाकई पर सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और ये सियासी जमातों की जाहिर है बहुत बड़ी बदनामी होगी शाहजिया सुप्रीम कोर्ट तो खुद जैसे हमारे और लोग इस पैनल पे कहा है हम सब सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद आके कहेगा कि हमारा हक बनता है इस मैटर में इंटरवीन करना सुओ सुओ मोटो जो भी अब ये कहना कि ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को रिफर करेगा मामला मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट को यह गवर्नमेंट रिफर करेगा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करना है सुप्रीम कोर्ट तो हमें पता है क्या करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी एक दफे तो उसने कह दिया ये हमारा मामला नहीं है आप फैसला करें और टी ओ आर और साथ साथ लेजिस्लेशन पास करें अब सुप्रीम कोर्ट को जैसे मैंने एक दिन पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट को तो फिर आप वापस करें और उनको मैंडेट करें कि आप टीओ आर बनाए लेजिस्लेशन फ्रेम करें हम उसको पास करेंगे इंक्वायरी कमेटी बनाए इंक्वायरी कमीशन बनाए और उस कमीशन को मॉनिटर करें क्या सुप्रीम कोर्ट ये करने के लिए तैयार है और इसलिए तीन महीने से नहीं किया है कि उनको किसी ने पूछा नहीं बड़ी अफसोस की बात है कोई नहीं पूछेगा इनको और मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं खुर्शीद शाह और ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस क्या दे रहे हैं क्या कहेंगे बहाने बनाएंगे कि इस सिस्टम को किसी तरह इस लुट इस सिस्टम को जिधर फ्रेंकली पार्लियामेंटेरियंस का जितना मजा है किधर भी नहीं है इस सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिधर इंसाफ नहीं है और देखिए अगर उन्होंने कुछ ऐसी टेढ़ा कुछ ऐसा पेचीदा मामला कहा कि नहीं ऐसे होगा कि उनको नहीं पूछा जाएगा मगर उसको पूछे जाएगा यू रिमेंबर वन थिंग शाजिया इंसाफ जो होता है या मिलता है या नहीं मिलता है प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट और इंसाफ अगर नहीं मिला सबको पता चलेगा कि नहीं मिला कंटिन्यू सही कमेंट डॉक्टर देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगा शाजिया कि ये खुद कर ले एक दूसरे का एहतियात तो अच्छा जो कि करते नजर नहीं आ रहे हुँ. वरना एहतना तो है और अक्रॉस द बोर्ड होना है और बहुत सख्त होना है किसने करना है इतना सख्त होना है, किसने है? है ये मैं आपको बताऊं क्योंकि करना है? क्योंकि रियासत हो ही है तो बैठे, 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 इतना पैसा इस मुल्क में या तो बंदा फाके से मर रहा है या बदहजमी से मर रहा है या रोटी नहीं मिल रही या ज्यादा रोटियां मिल रही है बात यह है कि एहतसाब तो होना है और अगर अक्रॉस द बोर्ड दहशतगर्दों का भी होना है ये जो बात आप कह रही थी कि वीडियो लीकाना आइन का आर्टिकल ये वो ये पच्चीस पच्चीस करोड़ रुपया लेके वकला हजरात केस लड़ रहे हैं कानूनी मू शाफिया मुल्क चलाना है आपने सीधा आप मुल्क सीधा चलाएं बिल्कुल स्ट्रेट बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉरेन पॉलिसी है ये सिक्योरिटी पॉलिसी है ये फाइनेंशियल यानी आज मैं सुन रहा था एक वफाकी वजीर की बात वो अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी है साजिश कर रहे हैं ओ भाई आपने मुल्क को माशी कर्जों की दलदल में धकेल दिया है ये कुछ साजिश है ये कोई साजिश है कि पाकिस्तान का हर बच्चा सवा करोड़ सवा लाख रुपए का मखरूज हो गया ये कौन सी साजिश है आपके सारे पड़ोसी आपके दुश्मनों के बैठ गए ये कोई साजिश साजिश तो आप खुद कर रहे हैं साजिश तो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं हमारी अशराफ यह कर रही है इस रियासत के खिलाफ अब दूसरों को सरें बैठ के जब आपके गिरबान पे हाथ पड़ता है और लोग सवाल पूछते हैं तो आपको साजिश नजर आने लगती है साजिश के तहत तो आप हुकूमतों में आते हैं ये एनआरओ क्या था साजिश नहीं थी तो

उसी को फ्रेम करके में एक मुझे ब्रेक तो, खुद बहुत से करप्शन के इल्जाम हैं जिसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर आसिम का केस है तो ऐसे में पीपल्स पार्टी आवाम को सड़कों पर कैसे निकालेगी इसकी मिसाल है जैसे कि अब दूसरों को नसीहत खुद मिया फ़ीत वाला हिसाब कैसे होगा इस पर बात करेंगे छोटे से वक्त के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद खुश आमदे डॉक्टर साहब चौधरी निसार को मुलमान की जो वीडियोस लीक हो रही हैं इन पर बड़ा ताजुब का इजहार कर रहे हैं वो डॉक्टर आसिम केस को लेकर वो सिंध हुकूमत को कह रहे हैं कि वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं लेकिन हमारे जो जहनों में सवाल उठ रहा है वो ये है कि सिंध हुकूमत इस वाक्य की कैसे तहकीकात कर सकती है जो डॉक्टर आसिम है वो सिंध हुकूमत की कस्टडी में तो नहीं है वो तो रेंजर्स की कस्टडी में है और रेंजर्स किन के मातहत है इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत तो फिर सिंध हुकूमत कैसे इस मामले मौ, की, की कर कि डॉक्टर मेरी राय मेरी सड़क पे जाके मुझे यकीन है कि आप किसी सब्जी बेचने वाले से किसी दूध सरोज से किसी स्टूडेंट से वो कहेगा सारी की सारी वीडियो जितनी वीडियोज हैं जिनकी नहीं बनी है उनकी भी बनाओ उनको भी पकड़ो बिठाओ उनकी रिकॉर्डिंग्स करो और टीवी पे चलाओ लाइव देखिए लोग जो हैं अब बेजार हो चुके हैं इस सिस्टम से लोग कह रहे हैं लोग ये नहीं कह रहे एक-एक मिनट की वीडियो कह रहे हैं पूरे पूरे घंटों की स्पेशल ट्रांसमिशन देखने को लोग तैयार है। हैं उनको कि छतरौल पड़े वो बताएंगे कितना पैसा लेके भागे मुल्क सा मुल्क का कितना पैसा बाहर का अभी ये बता रहे थे एक अमेरिकन डिप्लोमेट का किस्सा जफिर लाली साहब उस जमाने में इन्होंने ने बना ली थी क्योंकि अमेरिकन कह रहे थे गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो ये जितने बाबूज बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स और बाकी पावरफुल लोग उन्होंने एनजीओ बना के अब किसी की बेगम खा रही है पैसा किसी का बच्चा खा रहा है किसी के किसी का पोता खा रहा है अब बात यह है कि कानूनी हैसियत वो वकील क्या करेगा अदालत में पेशी होगी ये बहुत हो चुका आपने मुल्क को चलाना है मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये यानी अखलाक उसके खिलाफ है ओ भाई बात कौन कर लो हुई स्टॉकिंग यानी वो रहे छाछ तो बोले छन्नी भी बोले और बात करने वाले लोग कौन है यानी एक नंबर के चोर चक्के बदमाश और बातें क्या रहे हैं इखलाक की ये उसके खिलाफ है जी आइन के खिलाफ है कानून के यानी आपने दो दो तो सौ बंदा मार दिया एक एक, एक अरब रुपया लूट के ले गए एक एक दिन के अंदर वो आपको पता नहीं है या कोई याद नहीं है और आपका अचानक यार छूई मुई बन गए नाजुक ओहो जी मेरी वीडियो चल गई ओ जी मैं तो पता नहीं तो मैं दवाई खाई हुई थी मैं तो सो रहा था टोपी पहन के आ गए सारा सारी जिंदगी लोगों को टोपियाँ कराई और आखिर में जब पकड़ा गए तो टोपी पहन के आ गए ये क्या तमाशा तो है तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये छोटी छोटी लीक्स बंद होनी चाहिए स्पेशल ट्रांसपिक्शन 24 24 घंटे की सबकी चलनी चाहिए लाइव जो नए भी पकड़े गए उनको भी बिठाए टीवी चैनल पे सारे के सारे चलाएं और मेरे ख्याल से लोग हाँ देखिए डॉक्टर साहब मैंने एक्चुअली प्रपोज किया था कि जब आप करप्शन की ट्रायल करते हैं तो मेहरबानी से जैसे अमेरिका में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को ऑपरेशन होता है वो जो होता है वो फ्रीली वो पूरा ट्रायल को कवर करता है ये ट्रायल्स आप दे रात जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ब्रिटेन में कवर होते हैं दिन रात ये आप लगा दे कैमरा और मैं कहता हूं रेटिंग्स में इट विल बिकम द मोस्ट पॉपुलर शो इन ऑल ऑफ पाकिस्तान और ये सब जो आके इनके कन्फेशन नाइनटी परसेंट तो सच है देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं ये जो कन्फेशन किया था आसिम साहब ने ये तपी के बारे में खुदा के लिए ये तो कुछ नहीं है कि 600 रुपया के लिए एक हजार रुपया के लिए एक मेडिसिन बेच रहा है जो 600 रुपये के लिए बेचना चाहिए था नथिंग चिकन फीड उनको जाके पूछें वो लैंड के साथ क्या करते थे भाई मेरे साथ जब एक पाकिस्तान ये यूटिलिटी कॉरपोरेशन का आ, हेड मैं नाम नहीं लेना चाहता उससे फॉर्मर हेड ऑफ के डब्ल्यू एस बी वो बैठ के मुझे कहा है कि एक करोड़ पर डे वॉज दी कमाई फ्रॉम इन करप्शन एक करोड़ पर डे मैं मान ही नहीं सकता था वो क्या वो कसम खा रहा था वो हज करके आया है वो पता नहीं कितने चूहे वो बिल्ली जो भी होते हैं मगर वो हज करके आया है नौ सौ चूहे कहने की बात सिर्फ ये है इट इज ऑल ट्रू ये बेचारे रेंजर्स करे क्या ये खुद बोलते हैं उनको जब वो आता है बात करो

जी तो भत्ते ले रहे थे और पैसे लूट रहे थे और कराची का पानी बेच रहे थे और कब्जे कर रहे थे जगह जगह चाइना कटिंग कर रहे थे उस वक्त कोई कोई कानून नहीं था जब पकड़े जाते हैं तो हो जी हमें इतने दिन हो गए हमारा जिसमानी रिमांड जब लोगों को बिठा बिठा कर टॉर्चर कर रहे थे अगवा बराय तवान हो रहा था अपनी निजी जेलों में इन इंसानों को जानवरों से बदतर उसमें सलूक करते हैं उस वक्त इनको कुछ याद नहीं आता और जी कस्टडी में मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ ला हो गया मैं तो कहता हूं देखिए पाकिस्तान में ऐसा वक्त आ गया अगर जजा सजा का कोई निजाम है जिसमें कामिल ईमान है कि ये पूरी कायनात दुनिया जजा और सजा के निजाम से चल रही है ये ये मुल्कों की कायनात अगर सूरज थोड़ा सा डिले हो जाए चांद सूरज से डिले सिस्टम के तहत अगर सिस्टम नहीं बनाते मुल्क में रियासत में रियासत आगे नहीं चल सकती ये छोटी छोटी बग बग टिक, -टिक इससे निकले बड़े बड़े मुर्गों को पकड़े और अल्लाह का नाम लेके और ये इदर, ये छोड़ छोटी बातें लीक हो गया वो जी जी खरा है मेरा जी मैंने तो ये फजूल की बातें सारी लोग अब इनसे बेजार हो गए गुड गवर्नेंस लेकर मुल्क में एक ट्रूथ और रिकनसिलेशन कमीशन बनाए जिसमें आप लोगों को दावत देंगे और उनको कहेंगे कि आप आके सच बताएं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा आपको मैं बताता हूं राइट नाउ मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक मैसेज आया कि एक मेरा दोस्त जो ऊंचे उच, पे था वो कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन कॉन्सेप्ट हैज फेल्ड मैं बहुत एक्शन लेना चाहता था लोगों के खिलाफ मगर मुझे नहीं लिया गया मेरे पास सबूत था कि वो वोटों किस तरीके से दल रहे थे और वो क्या कर रहे थे मगर मुझे लेने नहीं दिया देखिए जो लोग जो एट अ वेरी हाई पोस्ट में इनकी बात कर रहा हूं तो जो लोग ऐसे चीजें कहते हैं आपको उस वक्त भी कहते थे अब कह रहे हैं और आंसू आ रहा था उस आदमी को कि देखो मेरा नाम मिट्टी हो जाएगा इसलिए

प्ली हाँ, बार्गेन का तो बार्गेन करें। वाला हिसाब हो गया ना एक दूसरे अंदाज में, में वजह से, से करप्शन खत्म नहीं, नहीं, नहीं हो रही है हिलाल साहब कर रहे हैं हां ठीक है डॉक्टर साहब आई एग्री विद यू सही ठीक है बहुत शुक्रिया जफर हिलाल साहब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाइट एडिशन से शाहजा जिशान को इजाजत दीजिए

उस लीडर का नाम तो बताएं क्या खुर्शीद शाह साहब और फॉर गॉड सेक सब लोगों को पता है आपको तो मेरे ख्याल में आ, शाजिया मैं समझ सकता हूँ आपने ये सवाल क्यों पूछा है ठीक पूछा है मगर अगर आप सिंध में रहते और खास तौर तो इंटीरियर सिंध में तो आप ये सवाल कभी नहीं पूछते रिगार्डिंग कितना करप्शन है और क्या पी 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 कुछ कर सकता है कि नहीं मैं आप अगर कभी आए इधर तो अन, अन एक डेढ़ दो घंटे तक लाइन इतना बड़ा होगा लोगों को इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन कौन सा कनाल किधर डाइवर्ट कितने पैसे कितने पैसे दिए गए जब वो किसी मिनिस्ट्री को जाते हैं कितने पैसे लिए गए अपॉइंटमेंट के लिए करप्शन माई गॉड पीपीपी और करप्शन सिंध में इट इज अनबिलीवेबल मैं आपको बताता हूं कि ये जो रॉबिन uh, रेफाइल थी यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये मैं मैं उनसे जानता था फ्रॉम मैनी ईयर्स बिफोर जब मैं जूनियर था इंडिया में इन, इन, इस, इसका मियाँ आनल राफेल जो मारे गया जियाल्लाक के साथ क्रैश में ही वॉज ऑल्सो काउंसलर या फर्स्ट सेक्रेटरी तो हमारी दोस्ती हो गई फिर बाद में मेरी मेरा पोस्टिंग भी हुआ था न्यूयॉर्क वाशिंगटन में वो जब इधर आती थी इस टाइम कैरी लूगा के अंदर हर वक्त आके कहती थी आओ खाना खाते हैं लेट्स टॉक अबाउट समथिंग उससे जो मैं सुना हूं स्टोरीज ऑफ करप्शन वो कहती है कि हमें लोग आके हम कहते हैं उनको कि भाई मेरे पास पैसे हैं हम देना चाहते हैं आपको मुझे मेहरबानी से बताएं ये प्रोजेक्ट क्या है सही. कहता दी ऑफिसर कहता था कि जी ये प्रोजेक्ट तो मेरे को पता ही नहीं इसके बारे hmm. में कुछ मेरे पास कोई फाइल नहीं आता है इसके बारे में कुछ तो मुझे कहती है हाउ कैन वी हेल्प यू इफ यू नो नथिंग कहती है आई नेवर सीन सच अ सिचुएशन अब आप कह रहे हैं कि कैबिनेट चेंज हो रहा है सिंध में बिलावल कुछ कहना चाहते हैं आप क्या कह रहे हैं सब लोग कह रहे हैं अगर देखें क्या चेंजेस आ रहे हैं, हैं।, हैं। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन के सुबाई अरकान के तकर का मामला भी उठने वाला है जाहिर है इसके बारे में जो बामी मुशावत है खुर्शीद शाह साहब से जब वजीम की वतन वापसी होगी ये तभी मुमकिन हो सकता है लेकिन बहुत सी जमातें नाराज़ हैं कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा रहा इस मुशावरत में काफ लीग है जमात इस्लामी है आफ्ताब शेरपा पार्टी है अब तारिक साहब से पूछेंगे कि इनका क्या लायामल होगा तो क्या पार्लियामेंट की तमाम जमातों की मुशावरत नहीं शामिल होनी चाहिए इसमें देखिए पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन तो गालिबा बनने में डिले इसलिए हो रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन बन जाता है तो फौरी तौर पर बहुत सारे लोग शायद डिसकवालीफाई हो जाएँ

ऊपर खबर चल रही है कि सिंध के अंदर हकूमत में बेहतर तब्दीली और नीचे खबर आ रही है निसार मोराई ने बताया कि मैंने इतने करोड़ और इतने अरब रुपए बाहर भेज दिए ऊपर खबर चल रही है गुड गवर्नेंस के लिए पता नहीं किसी ने किस जगह का दौरा किया नीचे खबर चल रही है डॉक्टर आसम हुसैन को की, की जो है वीडियो ये इस तर, तरह कब तक चलेगा तमाशा यानी आप देखें कि अब इस मरहले में जाके दो में गवर्नमेंट बनी थी दो के अंदर जाके ख्याल है ये तो हमने ठीक है जो सड़कें खराब है अच्छा जी पानी नहीं मिल रहा लोगों को अच्छा जी ये लोग जो हजारों मर गए ये सड़कों पे क्या हार्डवेयर से मरे थे हो। ये इनको तो गोलियां नहीं मारी थी ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह पागल समझते हैं ये मुल्क के बीस करोड़ आवाम को मेरा ख्याल है ना इस किस्म की कोई तब्दीली इनके हाथ में है हाँ? ना लोग इनकी गिमिक से अब मजीदी मुतासर होंगे लोग सिर्फ एक बात डिमांड कर रहे हैं और वो एहत अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द बोर्ड सबका और जिसने कर्जे माफ करवाए हैं जिसकी पनामा लीग हैं जिसकी और हैं, जिसकी बाहर जायदादें हैं अक्रॉस द बोर्ड और मैं तो कहता हूं कि समरी मिलिट्री ट्रायल हो छोटे छोटे ट्रायल हो स्पेशल कोर्ट्स कोर्टर पंद्रह फैसले करें सही? और उसके बाद जिसको रिहा करना है रिहा कर दें बेकसूर को और पकड़ना है तो उसको पकड़ें पैसा निकलवाएं और बीस पच्चीस साल के लिए जेल भेजें डिस्कवालीफाई करके सीधा सीधा अगर आपने रियासत को सही डॉक्टर साहब जो बातें कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन में इस बात पर इतफाकिर राय है कि अक्रॉस द बोर्ड एहत होना चाहिए देखें पहली बात तो यह है पहली बात तो यह है कि अक्रॉस एक बोर्ड पे इतफाक हो या ना हो क्या होना नहीं चाहिए बिल्कुल होना चाहिए तो जब सब कह रहे हैं कि होना चाहिए चाहे ऊपर से ऊपर से कह रहे हो चाहे अंदर से कह रहे हो दिल से कह रहे हो आखिर ये किस तरह शुरू होना है किस तरह शुरू होना है मुझे तो हमें तो ये समझ नहीं लग रही कि सियासतदानों को सारा दिन गालियाँ पड़ती हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भरे हुए हैं करप्ट लोगों के साथ कौन सा इदारा है जिसमें करप्शन नहीं है लेकिन एहतसाब के अमल पर जब आते हैं तो वजी अजम साहब कहते हैं मैंने अपने आप को पेश कर दिया हम कह रहे हैं हमसे शुरू करें फलाना कह रहा है मुझसे शुरू करें शुरू नहीं हो रहा पहली बात तो यह है करप्शन के मामले में वी आर वेरी क्लियर हम जिन टी ओ आरस पर डिमांड कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो उन्हीं टी ओ आरस पर हमने लास्ट मीटिंग में इनको ऑफर की थी कि उन्हीं टी ओ आरस पर चौधरी शुजात हुसैन का अपना इमरान खान का सराजुल्लक का

आए चूंकि मेरा चौधरी एजाज असन साहब के साथ हम सुबह शाम उठते बैठते हैं मीटिंग्स के हवाले से दे आर ऑन वन पेज हम ये कहेंगे, तो पार्टी के अपने अंदर कंसेंसस नहीं है कंसली बात तो यह दूसरी बात दूसरी बात मैं करूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से डॉक्टर साहब का मुझे नहीं पता चला मुझे उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी क्या उन्होंने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है मुझे अब ये बताएं ये आपकी गली ने कहा था कोई जाएगा नहीं अभी इलेक्शन कमीशन की बहुत से लोग हो जाएंगे बाकी दूसरी बात दूसरी बात यह है कि ये किस तरह नामजद कर सकते हैं अगर एक एक मेंबर की पार्टी भी है जितनी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब को ये सब सब स्टेक होल्डर सबके स्टेक हैं उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेक पावरफुल स्टेक है पाकिस्तान के की। सही आप इस गली का नाम नहीं रख सकते जब तक आप इस पूरे मोहल्ले का कंसेंसस या अक्सरियत की राय नहीं लेंगे ये कानून है कानून है ये है। तो आप इलेक्शन कमीशन बनाने जा रहे हैं आप नामजद जितने भी इरकान हैं जिनको आप रिकमेंड कर रहे हैं वो आप तशहर करें उनकी पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू लें सिविल सिविल सोसाइटी का लें को शामिल को शामिल किया जमात इस्लामी शामिल बहुत किया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारी पॉलिटिकल छह सात पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर नहीं है उनका तो नामो निशान ही नहीं है ना कहीं पे लेकिन दे आर ऑल स्टेक होल्डर तो अब बात यह है कि जिस दिन ये मुजवजा जो नाम होंगे वो टॉक शोज पे डिस्कस होंगे वो सिविल सोसाइटी डिस्कस करेगी आम आदमी डिस्कस सुनेगा एक राय बनेगी एक ओपिनियन बनेगी इस मुल्क के वहां की जिन्होंने वोट डालना है तो ये मेरे ख्याल में इससे तो ज्यादा और ये जो सिलसिला है ना जी इस तरीके से मुखा कि पंजाब का मेंबर तो में प, पंजाब का मेंबर पंजाब का, का मेंबर इनका बन जाए सिंध का मेंबर फलाने का बन जाए के पी के का मेंबर बन जाए ये आई डोंट थिंक दिस कहना चाह रहे हैं मुझे ब्रेक लेने जी, जी जल्दी से दो पॉइंट्स जल्दी से एक जी तो जी. मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतने कंट्रोवर्शियल आदमी को परवेज रशीद साहब को इन्होंने चेयरमैन ये कर दिया अपॉइंट कर दिया भाई परवेज रशीद साहब के जो ही हैज़ पर्सनल डिफरेंसेस विद लीडर्स ऑफ पार्टीज बड़े लोग हैं मिसाल तौर तो इमरान खान साहब जो उनका उनका ये पर्सनल डिफरेंस हैं अब आप खुद सोचिए ऐसे आदमी को आपने कहा कि चेयरमैन वो क्या इतफाक होगा किन को लाएगा किन को मनवाएगा ये तो मुझे दिस वन स्टेप सजेस्ट कि ये सीरियस नहीं है दूसरी बात जो मैं समझता हूं देखिए हमें इलेक्शंस में क्या चाहिए शाजिया हमें वेल well मैनेज्ड इलेक्शंस चाहिए मेरे ख्याल में आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को रखें पूरी जिसको भी आप रखें आपको चार आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जो सब लोग इत्तेफाक करते हैं एग्री करते हैं आपको लोग कहते हैं कि पुराने सीजेएस को रखें पुराने आर्मी चीफ्स को रखें शायद अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूं आपको क्या करना चाहिए वेरी सिंपल आप कॉपरेट प्रोफेशनल्स जो मैनेज कर सकते हैं लोगों को और सिनारियोज को इलेक्शन को मिसाल के तौर पे जो लोगों को मैनेज कर सकते हैं उनको बुलाए प्रोफेशनल्स आप टेंडर्स मंगवाए आई एम गोइंग टू मैनेज द इलेक्शन और उनको फौज के और फौज के साथ देखिए मसाइल उनसे हल नहीं हो रहे

ये ये इस ये मुख मुका की सेटिंग है अब आप देखेंगे जो 2012-13 में हुआ था वो इब्राहिम को ले आए वो पता नहीं उन्होंने कहा अच्छा यार पीपीपी पी पी तुम अपने इलेक्शन कमिश्नर दे दो सिंध का वो कहेंगे पंजाब का ये वो करके वही किस्म के लोग आएंगे एक वीक हेड उनके ऊपर बैठेगा और फिर मैसिव धांधली फिर हो जाएगी तो दिस इज आप जमातों का इलेक्शन कहाँ हो रहा है लाली साहब इलेक्शन हो कहाँ हो रहा तो है जो है है हो रहा जब दोबारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जा रही है लोग कि पहले चोरों को जरूर वोट खरीद के ठीक है मुझे ब्रेक लेने दें तारीख मुशी जी हमारा साहब बहुत शुक्रिया ब्रेक लेनी है वापस आता एक छोटे से वक्त